दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बजट 23 के हाइलाइट्स, जो कि पर्सनल इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स स्लैब पे आए हैं। कौन सा स्लैब आपके लिए बेहतर होगा? क्या वो न्यू इनकम टैक्स स्लैब होगा या ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब? अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, या आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है यानी कि NRI है, तो आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स स्लैब यहाँ पे बेहतर होगा, डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी कमेंट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ। अभी तक आपने चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जो इनकम टैक्स की रेट ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के लिए है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है, या आप एक HUF है, तो आपके लिए यहाँ पे एज जो लिमिट है वो 60 ईयर से बिलो है। तो यहाँ पे आपका क्या इनकम टैक्स स्लैब है? सबसे पहले आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि इस लिमिट तक आपका कोई भी तरह का टैक्स नहीं है, वो है आपकी 2,50,000 रुपए। वो एज इट इज रखी गई है, आपकी निल टैक्स रेट है। फिर आपका जो है 2,50,000 से 5,00,000 तक आपका जो टैक्स रेट रखा गया है वो है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 5%। 5 लाख से 10 लाख तक वो है आपका 12,500 प्लस 20%। जो इनकम आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 10 लाख रुपए तक है, 10 लाख रुपए से ज्यादा होने पे आपको 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो चेंज लाया है वो लाया है न्यू इनकम टैक्स स्लैब, यानी कि सेक्शन 115 VAC, यानी कि जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया था, इस सेक्शन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है लिमिट भी बढ़ा दी है, रेट्स भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कम की है। तो लिमिट जो पहले यहाँ पे 2,50,000 रुपए थी, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए कर दी है, और यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपका निल रहेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक आपका 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर होने पे आपकी इनकम जो है आपका 30% का यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स जो रेट है वो रखा है। गवर्नमेंट एक तरह से, अगर मैं चाहूँ तो न्यू टैक्स बोलना चाहूँ तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में आने के लिए जो है यहाँ पे इंडिविजुअल्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है। उसमें रेट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है, स्लैब्स को भी चेंज किया है। तो वो इस तरह से यहाँ पे चेंज किया है ताकि जो है हर कोई पर्सन इस स्लैब में आना चाहे, इस ऑप्शन में आना चाहे। साथ में यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब को यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है डिफॉल्ट इनकम टैक्स स्लैब कर दिया है, जिसमें आप अगर चाहें तो अगर ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में जाना है तो आपको यहाँ पे उस ऑप्शन को ऑप्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर गवर्नमेंट ने जो रिबेट है, रिबेट जो मिलती है सेक्शन 87A की, उसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। सबसे पहले, उससे पहले हम बात कर लेते हैं सरचार्ज की। तो सरचार्ज का जो रेट है, अगर आपकी इनकम है 50 लाख रुपए तक तो आपका सरचार्ज का रेट निल है, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका 10% का सरचार्ज है, 1 से 2 करोड़ तक आपका जो 15% का सरचार्ज है, और 2 से 5 करोड़ तक आपका 25% का सरचार्ज है। इसी तरह से अगर आपकी इनकम है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने चेंज किया है, 37% को प्रपोज किया है 25% से, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट होती थी 37% सरचार्ज लगने के बाद 42% होती थी, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए सरचार्ज की रेट को 25% तक किया गया है, और सरचार्ज और इनकम टैक्स पे यहाँ पे गवर्नमेंट लगाती है सेस, जो कि है 4% का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहले कि 87A के रिबेट में चेंज लाया है गवर्नमेंट ने, और उसमें चेंज जो प्रपोज किया है वो किया है, अगर आप यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो सेक्शन 87 के हिसाब से जो आपको रिबेट मिलेगी वो 7 लाख रुपए तक मिलेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 लाख का एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाने के लिए यहाँ पे जो 87A के रिबेट में यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे तो आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में कभी भी नहीं आ पाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम में जाने के क्या नुकसान है, अगर आप जानना चाहते हैं तो टैक्स साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपके क्या बेनिफिट है और क्या इसके नुकसान है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरह की एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, चाहे वो HRI की डिडक्शन हो, चाहे वो आपकी ATC की डिडक्शन हो, आपको किसी भी तरह की यहाँ पे डिडक्शन एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में आपकी जो 87A के अंदर जो रिबेट है वो आपकी 5 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पे आपको अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 तक की डिडक्शन जो है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ये सारी जो न्यू रेट्स है वो आपकी इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 से आपकी इफेक्टिव होगी, और आपकी अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक जो इनकम आप अर्न करेंगे वहां पे ये टैक्स स्लैब जो है वो आपके एप्लीकेबल होंगे। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे आने वाले ऐसे वीडियो अपडेट के लिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप अपना जानना चाहते हैं इनकम टैक्स स्लैब, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। वो इनकम टैक्स डॉस का 157 वीडियो है, 157 नंबर वीडियो है, तो आप उसको जरूर यहाँ पे देख लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स डॉस के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट 23 के हाइलाइट्स के बारे में। इसके अंदर इनकम टैक्स स्लैब, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्या आपके लिए इनकम टैक्स स्लैब चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो कितना हुआ है, और आपके फाइनेंशियल ईयर 23 से आपका जो है यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 2023 से जो आप इनकम अर्न करेंगे एज अ सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, तो वो यहाँ पे आपकी इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपकी जो है टैक्सेबल होगी। ये अमेंडमेंट्स जो है आपके प्रपोज्ड हैं आपके बजट